देखिए, बेहद दुख की बात है कि आज हमारा अन्नदाता सड़कों पर अभी तक बैठे हैं। उनको भाजपा ने बार बार झूठे वादे किए, चाहे हरियाणा चुनाव हो, उस टाइम कहा कि 24 फसलों पे एमएसपी देंगे, वो भी जुमला निकला। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, वो भी जुमला निकला। किसानों को प्रदर्शन करने से भी रोका जाता है, दिल्ली कूच करने से भी रोका जाता है, लंबे लंबे कीले ठोक दिए जाते हैं हमारे अन्नदाता के रास्ते में। वो इसी देश के नागरिक हैं। भाजपा को ये रवैया छोड़ना चाहिए और बात करनी चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। नहीं नहीं, हमने मीडिया को नहीं रोका, मीडिया की ब्रीफिंग हुई थी, क्योंकि पिछली बार कुछ मीडिया के साथियों को इंजरी आई थी, तो इस बार ऐसा ना हो इसलिए मीडिया ब्रीफिंग की गई थी और ये आधिकारिक रूप से एसएसपी पटियाला का बयान भी आया है। देखिए, दिल्ली की जनता ने दो सरकारों को चुना, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चुना, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट ऐसे मुद्दों को ठीक करने के लिए, और भाजपा की सरकार को चुना, 7 सांसद जिताए, कानून व्यवस्था दिल्ली में बरकरार रखने के लिए, दुरुस्त करने के लिए। पर पिछले 2 सालों में हमने देखा स्पेशली कि कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। चेन स्नैचिंग, रेप, मर्डर्स, डकोइटी, एक्सटॉर्शन तक के गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इतनी कॉल्स आ रही है यहां पर, व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। तो भाजपा को जागना होगा अपनी नींद से, अमित शाह जी को उतरना होगा, दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चुनावी मोड से निकलना होगा, कैंपेन का प्रभार छोड़कर, चुनाव का प्रभार छोड़कर उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा। ये रहा वो ट्वीट जहां पर हरदीप पुरी जी ने 2022 में लिखा है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव सॉट रेफ्यूज इन द कंट्री, इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑल रोहिंग्यास विल बी शिफ्टेड टू ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स इन बाकरवाला एरिया ऑफ दिल्ली, दे विल बी प्रोवाइडेड बेसिक एमिनिटीज, राउंड द क्लॉक पुलिस प्रोटेक्शन। तो भाजपा इस ट्वीट से तो साफ हो रहा है ना कि कौन दिल्ली में रोहिंग्या को बसा रहा है, कहां कहां बसा रहा है, कहां कितने रोहिंग्या बसे हुए, इसका पूरा ब्यौरा भाजपा के पास है, यानी कि उन्होंने ही बसाया है। तो आप बताइए, कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह जी के अंदर, रोहिंग्या अगर आए तो अमित शाह जी की निगरानी में आए, रोहिंग्या अगर बसाए गए हैं तो भाजपा की निगरानी में बसाए गए हैं, ये हरदीप पुरी जी कह रहे हैं। बार बार हमने कहा है कि भाजपा अगर गलती से भी दिल्ली में चुनाव जीत गई तो सबसे पहले वो दिल्ली की 24 घंटा मिल रही बिजली को डिसरप्ट करेगी, 200 यूनिट्स मिल रही फ्री बिजली को खत्म करेगी, और यही भाजपा ने कल अपनी मंशा साफ कर दी है बोलकर, कर दिल्ली में आए तो सब बदल के रहेंगे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा वो बदल के रहेंगे, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा वो बदल के रहेंगे। जो अरविंद केजरीवाल जी ने वर्ल्ड बेस्ट मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनाए हैं, जहां से आज हर जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं और जिन अस्पतालों में हर जगह से लोग इलाज करवाने आते हैं, भाजपा उनकी दुर्दशा कर देगी, क्योंकि यही हाल भाजपा के बाकी 20 राज्यों में है जहां वो कहीं भी फ्री बिजली या ढंग के स्कूल नहीं बना पाई आज तक।